अक्षय कुमार की बेल बॉटम सोमवार को रिलीज हो चुकी है, लेकिन रिलीज के साथ ही किसानों ने इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो वहीं तीन गल्फ देश कतर, कुवैत और सऊदी अरब ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के मुद्दे की। दरअसल इस विरोध का असल कारण ये है कि जब तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन अपने शिखर पर था, तब एक्टर अक्षय कुमार ने मोदी सरकार के फेवर में बोलते हुए ये कहा था कि ये जो कानून बनाए गए हैं, ये किसानों के हित में है, उनके खिलाफ नहीं। इसी से गुस्साए किसान ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पटियाला शहर के मशहूर थिएटर फूल में अक्षय कुमार की ये फिल्म बेल बॉटम लगी थी। जैसे ही फिल्म थिएटर में लगी, वैसे ही किसान नौजवान ने यहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसानों की तरफ से कहा गया है कि इस फिल्म को पंजाब में रिलीज नहीं होने देंगे और कहा यह भी गया है कि अगर शनिवार तक इस मूवी को नहीं हटाया गया तो हम लोग इस सिनेमा हॉल के आगे बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे और ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। भले ही कोरोना प्रोटोकॉल के बीच खिलाड़ी कुमार की बेल बॉटम दुनिया भर में रिलीज हुई हो, लेकिन इसके बाद भी ये थिएटर्स में छाई हुई है। फिल्म को व्यूअर्स और क्रिटिक्स से मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन इस फिल्म को लेकर खूब बवाल भी हो रहा है। बात करें दूसरे देशों की तो तीन गल्फ देश सऊदी अरब, कुवैत और कतर ने गलत तथ्य दिखाने के चलते इस फिल्म को बैन कर दिया है। फिल्म सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इस फिल्म में छेड़छाड़ की गई है, इसी वजह से तीनों ही देशों में बेल बॉटम की स्क्रीनिंग बैन कर दी गई है। आपको बता दें कि बेल बॉटम एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। 1980 के दशक में हुई फ्लाइट हाईजैकिंग की सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में अक्षय कुमार एक रॉ एजेंट के रोल में नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के सेकेंड हाफ में अक्षय कुमार और उनके साथी हाईजैकर्स के साथ बातचीत और लड़ाई कर फ्लाइट में फंसे 210 लोगों को बचाते हैं, जबकि असलियत में 1984 में फ्लाइट हाईजैकिंग के इस मामले को यूएई मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने हैंडल किया था। लाहौर से दुबई पहुंची इस फ्लाइट के हाईजैकर्स को उन्होंने ही पकड़ा भी था। माना जा रहा है कि इसी के चलते इन तीनों देशों में ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। वैसे अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम पूरे भारत में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 8 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस फिल्म को रंजीत एम तिवारी ने बनाया है, जिसमें अक्षय लीड रोल में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में लारा दत्ता, वाणी कपूर और हुमा कुरैशी जैसे कई स्टार्स भी देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।